अकाल, यू आर वॉचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सिश्ते। वैसे आज जो मेरे साथ एक्टर है ना, शी इज एन अर्बन वुमन बट शी प्लेज स्मॉल टाउन हेड स्ट्रॉन्ग वुमन सो नाइसली एंड विद सो इन सो मच एफर्टलेस एटीट्यूड, आई कांट टेल यू। मुझे लगता है कि अगर वो एक्टर नहीं होती तो वो रियल लाइफ में जर्नलिस्ट या एंकर जरूर होती। शी हैज द पावर ऑफ डिलीवरिंग वर्ड्स ऑन कैमरा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस भूमि पेडनेकर, हू इज विद अस राइट नाउ। स्वीट, थैंक यू सो मच। एंड वी हैव अ विजनरी डायरेक्टर हू ऑलवेज हैज अ रियलिज्म इन ऑल हिज स्टोरीज। यस, एंड ही इज वेरी पेशेंट ऑल्सो। मुझको उनको देख के भी लगता है काफी सब्र है उनमें। ये बताऊंगी मुझे क्यों लगा ऐसा। वेलकम पुलकित, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली वेल। अच्छा, मैंने ट्रेलर देखा है और अभी अभी डिसाइड किया, क्योंकि मुझको काफी कम वक्त दिया गया कि जल्दी जल्दी पूछना है सब कुछ। तो भूमि, मुझे लगता है अगर आप मतलब एज अ पर्सनैलिटी में मैं आपकी बात करूं, आपने हमेशा ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं जिनका इम्पैक्ट रहा है सोसाइटी के ऊपर, है ना। सो अगर आप एक्टर नहीं होती, डेफिनेटली आप जर्नलिस्ट या एंकर होती? नहीं, हाँ मतलब मैं कुछ ना कुछ कर रही होती जिससे मेरे काम से कोई इम्पैक्ट, जैसा आपने कहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाऊँ। हाँ एब्सोल्युटली। और मैंने इसलिए भी कहा कि मुझे आप पेशेंट लगते हो। मैंने देखा कि आप कम कम स्टोरीज लेकर आते हो अपने अपने जो भी आप ऑब्जर्व करते हो लाइफ में, ऑफकोर्स, बट देन यू हैव दैट पावर ऑफ डिलीवरिंग इट विद दैट स्टोरी टेलिंग कि लोगों पे इम्पैक्ट हो पाए, है ना, एंड सम रियलिज्म इनटू दैट। सो आप कितना खुद भी इत्तेफाक रखते हो इस बात से? अब ये तो मतलब धीरे धीरे जब पिटारा खुलेगा तो मालूम चलेगा कितनी कम कहानियां हैं, बट हाँ मतलब स्मॉल टाउन रियल वर्ल्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मुझे लगता है वहाँ बहुत सारी कहानियां हैं जो आप कह सकते हैं, तो इसलिए। एंड ब्रिंगिंग सच स्टोरी लाइक भक्षक, लाइक वुमेन सेफ्टी, एक ऐसा मुझे लगता है हमारे देश में एक सवाल है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। देर इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन व्हेनेवर वी सी रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में भी आजकल जो लेडीज हैं वो पीछे नहीं है इससे। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है एज अ डायरेक्टर भी, जब आप ब्रीफ भी करते हो, नरेट भी करते हो स्टोरी टू योर एक्टर। बिफोर चूजिंग भूमि फॉर दिस वन, वट वर योर ऑब्जर्वेशन सिंस दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स? मैं, मुझे लगता है ये सिर्फ हमारे इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे लगता है ग्लोबल वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। तो ऑब्जर्वेशन रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, और ऑब्जर्वेशन ये है कि कहानी गढ़ना बहुत ज़रूरी है। True. और इस तरीके से गढ़ना है ताकि वो लोगों के ऊपर एक खास तरह का प्रभाव छोड़ के जाए। आप बच्चों के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, वुमेन सेफ्टी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, और खासकर आपकी फिल्म की जो एक्टर हैं वो भी एक फीमेल हैं और वो लीड कर रही हैं, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है ताकि कहानी, क्योंकि कहते हैं ना कि वो बाप कुछ भी करे बाप ही रहता, माँ माँ हो जाती है। Yes. तो माँ, तो वो औरतों में जो फील है ना वो मर्दों में नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली। तो और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये जर्नी भूमि के साथ और बाकी फिल्म की स्टोरी के साथ। और भूमि के लिए तो मैं भी बोलूंगी जितने भी सब्जेक्ट्स आए उसमें भूमि का एक स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा ना कि शी इज अर्बन, बट वो जो स्ट्रॉन्ग वुमन का किरदार है, स्मॉल टाउन वुमन का स्पेशली, वो बहुत अच्छे से निभाती है। हाउ हैप्पी डू यू फील व्हेन यू फाइंड सच कैरेक्टर्स? इट कम्स अलोंग योर वे या यू स्ट्रिक्टली चूज देम? दे कम टू मी, दैट्स आई एम एबल टू चूज देम इन ऑल ऑनेस्टी। बट मुझे बहुत मजा आता है ना, जैसे पुलकित सर ने कहा कि ये जो स्मॉल टाउन इंडिया का रियल वर्ल्ड है, बहुत कहानियाँ हैं वहाँ। और मुझे ये दुनिया मेरे फिल्मों के ही थ्रू पता चली है, एंड आई एम वेरी इंट्रीग्ड। और मुझे बार बार मेरी फिल्में वहाँ ले जाती है, और जब जब मैं वहाँ गई हूँ मैं बहुत फ्लरिश किया है, मुझे बहुत प्यार मिला है। और मुझे लगता है इवन एज अ परफॉर्मर इन कहानियों में कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ हुई है। सो आई एज अ एब्सोल्युटली एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू नो, मेरी 100% ग्रोथ हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कहानियाँ जो इम्पैक्ट छोड़े, जिसमें एक सोशल मैसेज हो, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक बैक लाइक बिहाइंड द कैमरा भी बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, स्पेशली वेन यू लाइक शूट विथ चिल्ड्रन, तो बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह के सब्जेक्ट को लेके आना। स्पेशली वी वर टॉकिंग अबाउट बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो कि मॉलेस्टेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप बच्चों से बात नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दम एक्ट रियल स्पेशली, और आपने इसके लिए लोकल कास्टिंग भी किया। सो वॉट वॉज योर लाइक आइडिया ऑफ नरेटिंग द कॉन्टेंट टू देम? आप उनके पेरेंट्स से बात करते थे या बच्चों? उनके पेरेंट्स से, बच्चों से नहीं। वही अगेन, बच्चों के बच्चों से आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर सकते। और मतलब वो अलग तरह की, वो फिर मैं भी भक्षक हो जाता, तो बहुत अलग तरह की हिम्मत चाहिए बच्चों से इस तरह की बात। और लोग भी थोड़े ज्यादा इमोशनल और कनेक्टेड होते हैं व्हेन इट कम्स टू किड्स और चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली, आई होप दे आर। इसलिए हमने फिल्म बनाई है कि कुछ लोग नहीं होते हैं कनेक्टेड, इसलिए हमने फिल्म बनाई है। हाँ, तो बच्चों से बात नहीं करते थे हम लोग, बच्चों के पेरेंट्स से बात करते थे, और बच्चों
को एक और कुछ भी हमने फिल्म में ऐसा शूट नहीं किया जिससे बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाए, उनके कंफर्ट का हिसाब रख के अपने आप को एडजस्ट किया उनके हिसाब से. ट्रू दैट. आपका डायलॉग मुझको बहुत अच्छा लगा इसमें, जो आपने वो एकदम रिदम अपनाया है ना, वो किसी और की तरह नहीं लग रहा है कि किसी और का ले लिया. हमने बहुत सारी फिल्में या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जिसमें ऐसा हुआ है कि हमने किसी ना किसी से कंपेयर करने की कोशिश की है फॉर टू द एक्टर. सो हाउ डिड यू डू दैट? व्हाट ऑल रिसर्च डिड यू गो थ्रू प्लेइंग अ जर्नलिस्ट इन रियल लाइफ? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू डिस्प्ले द रोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमन हु इज अ जर्नलिस्ट, हु इज अ रिपोर्टर. सो हाउ डिड यू डू दैट? मुझे लगता है रिसर्च लकीली बहुत ही कंप्लीट स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी. पुलकित सर उस मिल्यू के हैं, तो जो मेरी भाषा वगैरह है, जो मैनरिज्म्स है, वी वर्कड ऑन इट टुगेदर एंड सो दैट रियली हेल्प. तो ये इन मेनी वेज में डायलॉग कोच भी थे, मुझे बहुत मजा आता. यही थे डायलॉग कोच भी? हाँ, मतलब बिकॉज वो ही नोज दिस वर्ल्ड, ही नोज दिस लैंग्वेज. एंड वो बहुत स्टार्टिंग से ये था, उन्होंने कहा हम डायलेक्ट यूज़ कर रहे हैं, पूरी भाषा नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि लोगों तक लोगों को समझना ज़रूरी है कि फिल्म में हम क्या कह रहे हैं लोगों तक. और जो ये फिल्म हमने बनाई भी है, जो एक बहुत ही मुझे लगता है बच्चों पे एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, इससे नीचे इससे कुछ हो ही नहीं सकता. जब आप एक ऐसी चीज पे दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, बाय ट्रू इवेंट्स, हमारे आसपास ऐसे अनेकों बार हो चुका है, हो रहा है. आप पिछले कुछ महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे ये हो रहा है, दिस इज अ हैपनिंग, राइट? अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों की रियलिटी मेरा रिसर्च था, तो लिविंग विद दैट इज अ लॉट. बट कहीं ना कहीं रिजॉल्व ये था कि जिस तरह से इन्होंने फिल्म को ट्रीट किया है, ये फिल्म की जर्नी आपको ये एक्सपीरियंस जी इजी बना देती है, आपके लिए एक्सपीरियंस को जीना, इस फिल्म को देखना इजी बना देती. क्योंकि इसमें क्या दो, जो एक जो वैशाली सिंह का किरदार है, जो एक पत्रकार है, यू नो, एक सोलो न्यूज चैनल चलाती हैं, बस वो हैं और उनके कैमरामैन है जो संजय मिश्रा प्ले करते हैं. वो हीरो नहीं है, उसमें कुछ हीरोइक भी नहीं है. वो एक आम लड़की है जिसे अपने प्रोफेशन की जो इंटेग्रिटी है उस पर बहुत भरोसा है. वो पत्रकार क्यों बनी? वो पत्रकार इसलिए बनी क्योंकि वो सच्चाई को एज सच्चाई आगे रखना चाहती थी, वो सवाल उठाना चाहती थी, वो उसका काम है ना. कोई बड़ी स्ट्रक्चरल, कोई बड़े स्ट्रक्चर को छोड़ के वो अपना न्यूज़ चैनल चला रही है. तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी थी वैशाली सिंह में और मुझ में, क्योंकि मैंने कोशिश की मैं भी अपना प्रोफेशन पूरे इंटेग्रिटी के साथ चलाऊं. और वैशाली सिंह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, मुझे बहुत हिम्मत मिली इस किरदार से, क्योंकि वो एक लोन जर्नी पे, उसके पास कोई आईपीएस का बैच नहीं है, उसके पास कोई यू नो गन नहीं है, उसके पास पैसे कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ अपना माइक है और एक कैमरा है, छोटा सा कैमरा है, कुछ प्रोफेशनल ये वाले भी नहीं है. एब्सोल्युटली, है ना. वो लेके उस लड़की में ये हिम्मत थी कि उसने आवाज उठाई और उसकी एक सवाल पूछे, आवाज भी नहीं उठाई क्योंकि उसके पास उतनी पावर ही नहीं थी. सवाल जो उसने पूछना शुरू किया और उसने अपने जर्नलिज्म का जो सही यूज किया, उसकी वजह से इतनी बच्चियों की जिंदगी उसने बचाई, बदली. Absolutely. और ये हुआ है, है ना. तो इससे मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि यार हम इतने नम हो गए हैं एज ह्यूमन बीइंग्स कि अगर हम एक अधमरी हालत में एक कुत्ते को भी देख लेते हैं ना रोड पे, हम रुकते नहीं हैं. एक्सीडेंट हो जाता है, हम रुकते नहीं हैं, हम यू देख के चले जाते हैं, हम एम्बुलेंस तक कॉल नहीं करते हैं, है ना. वीडियो बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो बनाते हैं, दो लोग झगड़ रहे हैं, वीडियो बनाओ. यस यस. हां, पहले वन आस्क यू, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द व्यूअर्स, सिंस वेरी ब्यूटीफुली भूमि हैज एक्सप्लेन व्हाट शी इज डूइंग एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन द फिल्म. सो व्हाट वाज योर आईडिया ऑफ ब्रिंगिंग दिस सब्जेक्ट अबाउट चाइल्ड सेफ्टी और व्हाटएवर? आई रियली विश कि एक कन्वर्सेशन शुरू हो. एक व्हेन आई एम सेइंग कन्वर्सेशन, आई डोंट मीन अ कन्वर्सेशन अमंग की पॉलिटिक्स और इंडिया और ये वो. कन्वर्सेशन घर पे शुरू हो, कन्वर्सेशन आपकी अपने आप से शुरू हो कि चेंज आपके घर से ही शुरू होता है, अपने आप से शुरू होता है, चेंज आपसे आता है. तो कन्वर्सेशन आपका आपसे शुरू हो कि आपको फील हो रहा है अगर ये, तो आप प्लीज उठें और कुछ करें. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट चाइल्ड सेफ्टी, वुमेन सिक्योरिटी, इट्स अबाउट एनीथिंग जो आपको लगता है गलत है उसके बारे में आप बात करोगे या नहीं करोगे. वो सवाल आप खुद से करो और फिर उसका आंसर दो. दिस इज द फिल्म आई हैव मेड.
एब्सोल्युटली, और वो कॉन्वर्सेशन उठना ही चाहिए, होगा भी ट्रेलर देख के जितना मैं समझ पाई हूँ. येस वी फील फॉर इट, एंड आई बिलीव 9th को जब ये फिल्म आ जाएगी तो आप लोग भी इसके बारे में फील कर पाओगे. एंड दैट वन चेंज दैट यू फील, तो वो आप अपने सोशल मीडिया पर भी लिख के भेज सकते हो जैसे कि आपको कैसी लगी, है ना, बिकॉज सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, बींग यू बींग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट. एंड आई बिलीव कि आज के वक्त में हम सब, नॉट इवन अस और भूमि और पुलकित, एवरी वन ऑफ अस इज अ जर्नलिस्ट, अ रिपोर्टर एंड अ नाइस ह्यूमन बींग ऑल्सो. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड एंड डू वॉच इट ऑन 9th ऑफ फेब्रुवरी. भक्षक इज द टाइटल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.